हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आ चुके हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर के क्वेश्चन नंबर परेशन देखो क्या कह रहा है हंड्रेड सरनेम है जो आपके सामने वेरी है और नंबर ऑफ लेटर्स उनमें वेरी करते हैं वन से फोर लेटर है सिक्स सरनेम होंगे ऐसे इनमें वन से फोर लेटर आ रहे हैं थर्टी सरनेम ऐसे इनमें फोर से लेकर सिक्स लेटर है इसके लिए आप देखोगे यहाँ आपको हिस्टोग्राम बनाने को कहा गया देखो आप क्वेश्चन ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द गिविन इनफॉर्मेशन हिस्टोग्राम में आपको पता है क्या होता है अगर ये गैप सेम है तो आपको ये टेबल चेंज करनी होगी 12 से ट्वेंटी में देखो कितना गैप सर एट 8 8 से ट्वेल्व में देखो सर गैप कितना सर फोर का 4 से सिक्स में देख लो सर कितना है? 2 टू का तो गैप डिफरेंट हो गया तब आपको क्या बनाना है यहाँ पर एक हिस्टोग्राम के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी न्यू तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर होंगे सबसे पहले ठीक है।, है सर फिर आएंगे आपके पास क्या नंबर ऑफ सर जिसको आप कहोगे फ्रीक्वेंसी क्या कहोगे इसको फ्रीक्वेंसी कहोगे ठीक है सर आगे देखो फिर आप कहोगे विड्थ ठीक है सर फिर आप कहोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अब देखना आप। अब नंबर ऑफ में जैसे वन से लेके फोर हो गया फोर्थ से लेके हो गया से लेके ट्वेंटी हो गया फ्रीक्वेंसी फर्स्ट केस में 6 आ रहा है थर्टी आ रहा है फोर्टी फोर आ रहा है सिक्सटीन आ रहा है फोर आ रहा है विड्थ देखो वन से फोर में कितनी विद्थ हो गई सर थ्री और विध्त कैसे पता करते हैं माइनस करके देख लो अपर में से लोअर को एट में सिक्स गया टू ट्वेल्व में से एट गया तो फोर ट्वेंटी में से ट्वेल्व गया तो सर एट अब लेंथ ऑफ मैंने क्या बताया था आपको नंबर ऑफ जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड करो से और मल्टीप्लाई करो मिनिमम से तो मतलब सबसे छोटी विट क्या है सर और, टू टू और यहाँ पे बाय फोर मल्टीप्लाई टू फोर 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 टू झा एट हो गया ये ये कितना हो जाएगा फोर डिवाइड बाय एट मल्टीप्लाई टू कितना हो गया ये फोर टू और ये एट कट के ये कितना बच गया अब आपको क्या बनाना है यहाँ पर ये आपके लाइन तो अब आप इसका हिस्टोग्राम बनाओ नेक्स्ट वाली स्लाइड में चल के ठीक है एक मिनट मैं इसको शो करा देता हूँ आपको पीछे नोट कर लेते हैं इसको बना फोर फिफ्टीन फोर्टी फोर फोर फिफ्टीन फोर्टी फोर एट एंड वन अब मेरी बात सुन लो ध्यान से तो, ठीक है ग्राफ कैसे बनाएंगे हम नीचे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ एक्टर्स यहां में लिख रहा हूं प्रोपोर्शन ऑफ सर नेम्स जो कि मेरा एक्स एक्सिस है अब मैं यहां गैप कितने का लू भाई यहां मुझे नंबर दिख रहे हैं बहुत सारे हैं 40, तक नंबर कैसे या तो टू की टेबल से करूंगा तो ट्वेंटी तक पहुंच पाऊंगा से करूंगा थर्टी तक पहुंचाऊंगा फोर से पहुंचूंगा तो फोर्टी तक पहुंच जाऊंगा तो फोर तो से ज्यादा आसान है या फिर फाइव से ले लो आपको कोई दिक्कत नहीं है फाइव सिक्स थर्टी तक भी पहुंच सकते तो हम ले लेते हैं फोर से है ना तो गैप ले रहे हैं अपन फोर का फिर फोर जी हम आ जाएंगे कि अट्ठाईस थर्टी टू नहीं जाएंगे मतलब फाइव फाइव का गैप ले लेते हैं काम करते हैं एक मिनट रुको आपने इसको फाइव में ले लो आप गैप सारे को फाइव में और जल्दी हो जाएगा लो। ये लिखा है मैंने प्रोपोर्शन ये लो फाइव टेन

ट्वेंटी टू चलो हो गया काम हमारा देखो वन से फोर के अंदर फोर लेटर आ रहे हैं इनको नहीं देखना है आपको इनको देखना है ना वन से फोर में फोर जमाना है one से लेके फोर तो आपको पता है जीरो से फाइव में गैप कितना होगा आपको पता है दो मतलब पेन लाइन होंगी मैं पर्टिकुलर टू लाइन को एक गैप मानूंगा तो मेरी जो एट लाइन होगी ना वहां तक मेरे पास बन जाएगा ये एट लाइन तक का ठीक है ये हो गया वन से लेके फोर तो आप ग्राफ हूँ बनाना और अच्छे से बन जाएगा कोई इशू नहीं वहाँ पर तो और जगह मिलेगी आपको आराम से फोर से सिक्स में फिफ्टीन है फोर से सिक्स में कितना फोर है तो फोर से फोर्टी फाइव से जस्ट नीचे ना कितना बोला एट से ट्वेल्व में कितना है एट okay. है एट okay. तो से, से ट्वेल्व 12, 12, 12, 12, 12, ठीक है, ये 10 के ऊपर कहीं आएगा ट्वेंटी ट्वेल्व से ट्वेंटी एक मिनट रुकना यार 12 से 20, वन है, ओके वन कहीं नीचे नीचे होगा ग्राफ मुझे इसलिए खराब लगता है बिना स्केल तो एक तो कुछ बनता नहीं है और स्केल का टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल चलो ठीक है तो ये आपने बना दिया है और आपको यहाँ पे क्या बनाना था हिस्टोग्राम जो कि कर चुके हैं आप कंप्लीटेड okay. तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर नाइन के साथ कंप्लीट सिलेबस कौन सा वाला सिलेबस बेटा न्यू एन सी आर टी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर के अकॉर्डिंग हमने सेपरेटली ईच एंड एवरी एक्सरसाइज बेसिक इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे क्लियर किया है क्लास नाइन के लिए आपको जो भी चैप्टर में से न्यू एनसीआरटी के हिसाब से जो भी क्वेश्चन चेकआउट करना है में जाकर चेकआउट करो जिस चैप्टर को अच्छे से देखना है कौन कौन से क्वेश्चन है जो आ रहे हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज कट रही है रिड्यूस गए वो सब इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे लेक्चर में आपको लाइन टू लाइन दी जाएगी ये एक्सरसाइज है जो न्यू एक्सरसाइज में ये वाला चैप्टर इस अकॉर्डिंग है पुरानी के अंदर इस अकॉर्डिंग था बिल्कुल लाइन से हमने कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश करी है आई होप आपको अंडरस्टैंड हुई सारी चीजें क्लास नाइन में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी स्टूडेंट शुरू से लेक्चर देख रहे हैं उन्हें मतलब बहुत फेबुलस कंसेप्ट यहाँ पे उनका इंक्रीज हो गया होगा उन्हें बहुत सारे कंसेप्ट है जो न्यू उनको सीखने को मिलेंगे बहुत सारे डायरेवेटिव है इंफॉर्मेशन थ्योरम्स है वो उन्होंने सीखी होगी हमारे साथ यहाँ पे प्ले में जाकर उन्होंने बहुत सारे चैप्टर्स देखे होंगे जो उसके बाद अब आप जैसे क्लास टेंथ में जाओगे तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉग रहेगा फाइनल एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करोगे तो ये पूरा सिलेबस आपके पास आने वाला है न्यू एनसीआरटी के अकॉर्डिंग ओल्ड के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें जो रिड्यूस हो गई है कट गई है तो वो आपके सिलेबस में नहीं आएंगी तो आपको दिक्कत आने वाली है तो उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप ओल्ड बुक लेके हमारे साथ लेक्चर जैसे हम पढ़ा रहे हैं जिस चैप्टर को जिस नेमिंग को नेमिंग देख लो लिखा हुआ है

आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा आप लोगों का सपोर्ट हमें इसी तरह मिलता रहे और स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा एंगेज होते रहे मिलते रहे ज्यादा ज्यादा ताकि हम और भी टीचर्स की टीम यहाँ पे जोड़ सके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे क्लास नाइन का सिलेबस हो गया है तो अगर स्टूडेंट्स अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा और आप लोगों को लगता है कि नहीं सर आप और भी बुक्स वगैरह रेफर कराइए यहाँ पे तो हम आर डी शर्मा या अंत या फिर एस जी वो भी सोल्व कराने की कोशिश करेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ज्यादा से ज्यादा

तो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय बेस्ट ऑफ लक अपने आपके फाइनल एग्जाम के लिए